राजस्थान के टोंक में एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद भारी बवाल। नरेश मीणा को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव और आगजनी। निर्दलीय उम्मीदवार ने हिंसा के लिए पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। गिरफ्तारी देने गांव पहुंचे। यूपी के प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बवाल बढ़ा। यूपीपीएससी के छात्रों को जबरन हटाने पहुंची पुलिस। डीएम और सीपी के साथ बातचीत बेनतीजा रही। आज फिर महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाराष्ट्र में करेंगे 2 रैली। झारखंड के चुनावी दंगल में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह उतरेंगे। योगी धनबाद, बोकारो और बेरमो में करेंगे जनसभा। शाह की गिरिडीह में 2 और बोकारो में 1 रैली। कोहरे और स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। आज लागू हो सकता है ग्राप का 3रा चरण। तीसरे T20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 11 रनों से हराया। 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे टीम इंडिया। भारत की टीम ने 220 रनों का दिया था लक्ष्य। साउथ अफ्रीका की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 208 पर सिमटी।